हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेपन ट्यूटोरियल्स। दिस इज आदित्य केशवानी। और अभी अभी आईआईटी जैम का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है थोड़ी देर पहले। आप सब अपना मार्क्स जाके चेक करो, कितनी किसकी रैंक आ रही है मुझे बताओ। और देखो, बहुत मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, मैं जितना अपने टाइम पे मैं खुश नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्या किया, मैसेज किया, अपनी रैंक बताई, बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आई है। देखो, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जनरल की कट ऑफ कितनी जा रही है, 19.52। मैंने भी बताया था 18 से 20 जनरली मैंने बोला था कट ऑफ जाएगी। और ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 17.57 गई है। एससी एसटी हम देख रहे हैं यहाँ पे 9.76 ही गई है। देखो, एक बात मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मैं खुद अभी अपने कॉलेज जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली ट्रेन पे बैठा हूँ, बट मैंने जैसे ही देखा रिजल्ट अनाउंस हुआ, मुझे जब स्टूडेंट्स का मैसेज आने लगा कि सर इतनी रैंक आ रही मेरी, तो मैं इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं जितना अपने टाइम पे खुश नहीं था, मैं स्टूडेंट्स इस समय जो जिनको लगता है कि मैं उनको थोड़ा बहुत गाइड कर रहा हूँ, तो वो इतने ज़्यादा खुश हैं, तो मैंने उनको देख के मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो बना ही लेना चाहिए। देखो, आपकी चाहे रैंक जितनी भी आ रही हो, अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुश रहो जितनी भी रैंक आई है। और देखो, अभी आप ज़्यादा सोचो मत, काउंसलिंग वगैरह सब मैं हेल्प करता रहूँगा, तो अभी आप चल रहो, रिलैक्स रहो। जितनी भी रैंक आ रही है, कौन सी आईआईटी मिलेगी, कौन सी एनआईटी नहीं मिलेगी, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा, उसकी टेंशन मत लो। देखो, जनरल की कट ऑफ गई 19.52, तो इससे में और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ज़्यादा उसका मत सोचना कि सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, जिसका जितना भी रैंक आया हो, लेकिन सबका बहुत अच्छा है। आपको इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आप आईआईटीज एनआईटीज पहुँचोगे, वहाँ की लाइफ देखोगे ना, तो वो बहुत ही अच्छी लाइफ होती है। बस आप एक बार पहुँचो तो ठीक है, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका मार्क्स रैंक नहीं भी अच्छी आई है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं, अभी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मैं हेल्प करता रहूँगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी तो बहुत सारे फॉर्म्स आने बाकी, आइजर वगैरह हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती, सो चिल एंड रिलैक्स। और जैसे जिसका आ रहा है, मुझे आप मैसेज करो, बताओ कि किसका कितना रैंक आ रहा है, फिर उसी हिसाब से हम एक ऐसा मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा जिनका अच्छी रैंक नहीं है, तो वो इस समय क्या करें, उनको काउंसलिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, जितनी भी डिटेल्स हैं आपको सब मैं बताता रहूंगा। बस आपको आज के दिन खुश रहना है, सच कह रहा हूँ, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ आपको मास्टर्स के बाद नेट और गेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि मास्टर्स के बाद जल्दी ऐसे, क्योंकि हमें पीएचडी करना है, तो उसके लिए हमें नेट गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अभी अगर आपका रिजल्ट नहीं अच्छा रहा, तो डजंट मैटर, आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आप उन पर मेहनत करो। जो गलतियाँ जैम में हुई हैं, कोशिश करो कि वो आने वाले एग्ज़ाम में ना हो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप खुश रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको जो भी क्वेरी होगी, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लेना, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लेना। किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो, वी विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइस, सो चिल एंड रिलैक्स एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।